रीड इट. ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल स्क्वायर. यस, क्यूबॉइड के सारे फेसेस आइडेंटिकल स्क्वायर होते हैं क्या? नहीं, रेक्टेंगल भी तो होते हैं कुछ. सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं क्या? जल्दी बताइए मुझे. हेलो, वो तो क्यूब के होते हैं ना. तो क्या लगा देंगे हम? फॉल्स लगा देंगे. हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्लेन फेस ऑफ अ सिलेंडर आर सर्किल. हाँ बेटा, जो सिलेंडर होता है उसके जो प्लेन फेस होते हैं वो सर्किल ही होते हैं. कैसे होते हैं? सर्किल टाइप होते हैं. अरे सॉरी, ट्रू लिखना था. हाँ नेक्स्ट. आ ट्राइंगुलर प्रिज्म हेड हैज एट वर्टिसेस. ट्राइंगुलर प्रिज्म मैं बनाता हूं, मुझे सिक्स वर्टिसेस दिखते हैं क्योंकि देखो एक थ्री. ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होते हैं? सिक्स वर्टेक्स होते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉलिड शेप विद जीरो वर्टेक्स इन द कोन इज द कोन. बेटा कोन में तो वन वर्टेक्स होता है ना. देखो एक वर्टेक्स दिख रहा होगा आपको ये. हाँ गुड मॉर्निंग, ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट. देयर कैन बी मोर देन वन नेट ऑफ अ सॉलिड. सॉलिड की एक से ज्यादा नेट बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं. यस यू आर ऑडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िएगा. हाँ इसमें लिखा है विस सॉलिड डज नॉट हैव एनी स्क्वायर फेस. किसी में स्क्वायर फेस नहीं होते हैं. किस में नहीं होते हैं? वही कोई भी सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा बता देगा कि कोन में नहीं होते हैं. कोन में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं बनता है. बनता है क्या कोन में स्क्वायर? हाँ नेक्स्ट. फिफ्थ क्वेश्चन. रेक्टेंगल बेटा जो कर्व्ड फेस होता है, जो उसका कर्व्ड फेस होता है किसका? सिलेंडर का. उसको अगर ओपन करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ओपन होगा. कैसे फॉर्म होता है? रेक्टेंगल. क्योंकि जब तुम रेक्टेंगल को ऐसे मोड़ोगे, ऐसे 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 गोल गोल करोगे, गोल गोल करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? कर्व्ड फेस बन जाएगा. ऐसे कर्व गोला बन जाएगा. तो ऑप्शन सी रेक्टेंगल. हाँ नेक्स्ट. हाउ मैनी फेसेस डज अ ट्राइंगुलर. बेटा ट्राइंगुलर पिरामिड में फोर फेसेस होते हैं. कैसे? देखो ठीक है ना. देखो वन टू थ्री और एक पीछे होता है फेस. या आप ऐसे बोल सकते हो ट्राइंगुलर पिरामिड में जितने वर्टेक्स होते हैं उतने ही फेसेस होते हैं. पिरामिड नहीं, ट्राइंगुलर पिरामिड नहीं, किसी भी पिरामिड में, किसी भी पिरामिड में जितने वर्टेक्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? फेसेस होते हैं. इधर थ्री वर्टेक्स, फोर वर्टेक्स दिख रहे हैं तो देयर आर फोर फेसेस इन दिस फिगर. तो कितने फेसेस होंगे? फोर फेसेस, ठीक है ना. हेलो, मुझको एडमिन एडमिन बना देना बेटा. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा बोलिए. हाँ
ओके थैंक यू। हाँ ईट के लिए शेफ भी मैंने आपको बना दिया है, आप एडमिट। हाँ अच्छा देखिए बेटा, वो बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एजेस ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबाइड। बेटा क्यूब और क्यूबाइड के बीच में दो जो एजेस होती हैं एंगल, ठीक है ना, तो वो क्या एंगल होता है, वो उन दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, जल्दी बताइए बेटा। जो भी एंगल बनता है, देखो मैं अभी यार बना के दिखाऊंगा आपको क्या एंगल बनता है। देखिए चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक एज ऐसी है और एक एज ऐसी है, तो क्या एंगल बनता है, 90 डिग्री। फिर एक एज कैसी होगी बेटा, ऐसी होगी, ऐसी ऐसी, क्योंकि ये हाइट है ना, हाइट ऐसी होती है ना, तो ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है दूसरे एज से, समझ गए ना। तो कभी भी कोई भी दो एज हो, चाहे क्यूब की हो चाहे क्यूबाइड की हो, आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। देखो ए आपस में 90 डिग्री, ए इसके साथ 90 डिग्री, ए इसके साथ 90 डिग्री, हर जगह दो एजेस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। सी 90 डिग्री। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करूं। अरे बेटा एट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा था मैं। चैप्टर असिस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर एट। देखिए यस हाँ बेटा, ए के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। देखिए बेटा आप जब ए को टर्न करोगे, ए को टर्न, जैसे आपने बी को टर्न किया पहले, देखो ए आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो ए है ए बी है ना, जब आप बी को टर्न करोगे तो बी ऐसे हो जाएगा और ए कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ए किसके सामने आएगा, सी के सामने आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ए मान लो बी है और ए है, जब बी को करोगे तो ए कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ए किसके सामने आएगा, सी के सामने आएगा, किसके सामने आएगा, आप इसको टर्न करके भी देख लो, टर्न करके देखो, मतलब फोल्ड करके देखो, तो आप क्या है ऐसी सिक्स बुक रख लेना, इसी तरीके से, इसी तरीके से सिक्स बुक रखना अपनी बेंच पर और फिर टर्न करना, फिर देखना कि सी के सामने कौन सा फेस आ रहा है, वो ए के सामने कौन सा फेस आ रहा है, ए के सामने सी आएगा, कौन सा आएगा, सी, द फेस अपोजिट टू ए इज सी व्हेन वी फोल्ड द नेट, व्हेन वी फोल्ड द नेट। जब हम नेट को फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, पीरियोडिक असिस्टमेंट। नाउ पीरियोडिक
हाँ बेटा, हमें ये बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। पहले मैं इरेज कर दूँ। अच्छा, किसी भी चीज को प्रोपोर्शन में बताने के लिए मैं क्या करता था, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर इक्वल आ गए तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का प्रोडक्ट क्या आएगा, मीन टर्म कौन कौन से हैं, 16 और 6, ये 96 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्या आता है, 12 और 8, 12 8 जब 96, तो ये ट्रू हो जाएगा बेटा, ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला पढ़िए। बेटा आपको डजन और स्कोर का रेशियो निकालना है। वन डजन में 12 होते हैं और वन स्कोर में 20 होते हैं। इसको काटेंगे 4 की टेबल से, तो 4 3 जा और 4 5 जा, तो क्या आंसर आ गया, 3:5। नेक्स्ट पढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दो लाइन परपेंडिकुलर कहलाती हैं अगर उनके बीच में एंगल बनने वाला 90 डिग्री हो। कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का। आगे, या राइट एंगल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, राइट एंगल। हाँ, आगे पढ़िए नेक्स्ट। बेटा एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उस ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हाँ नेक्स्ट, फिफ्थ वाला। चलो अच्छी बात है, आगे पढ़िए बेटा। रोम्बस विथ ऑल इट्स एंगल, नहीं बेटा, हाँ सही, बिल्कुल ट्रू बेटा। अगर ऐसा रोम्बस जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल, क्या कहलाएगा, नहीं तो रेक्टेंगल भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ स्क्वायर होता है मेनली, क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है उसको हम लोग, क्योंकि उसकी जो आपका रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, क्या होती है, रोम्बस। बेटा रोम्बस जो होता है उसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और जब चारों ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर वो क्या कहलाने लगेगा, स्क्वायर कहलाने लगेगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए एक प्रॉपर्टी यही होती है कि ऑल साइड मस्ट बी इक्वल एंड ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। नेक्स्ट आगे पढ़िए बेटा। हाँ बेटा, लेकिन ट्रेपीजियम आपका पैरेललोग्राम नहीं होता है। ट्रेपीजियम की कंडीशन ये होती है कि वन पेयर पैरल एंड अनदर पेयर इज नॉन पैरल। एक पेयर तो पैरल होता है लेकिन एक पेयर क्या नहीं होता है, पैरल नहीं होता है, इसलिए ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट,
क्या बेटा? द फिगर दैट हैव ओनली लेंथ एंड ब्रीथ, ऐसा फिगर जिसकी केवल लेंथ होती है और ब्रीथ होती है उसको प्लेन फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर। जैसे स्क्वायर है, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है? ए लेंथ होती है और ए ब्रीथ होती है ना? ऐसे फिगर की क्या होती है? केवल लेंथ और ब्रीथ, तो क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। आगे नेक्स्ट, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। डायमीटर को क्या बोलोगे आप? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये किसका माइक ऑन है? नेक्स्ट वा रीड करो ना बेटा। बेटा नहीं, सेगमेंट वो नहीं कहलाता है। सेगमेंट, सेगमेंट इसको कहलाते हैं बेटा, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो सेगमेंट कहलाता है। बेटा दो रेडियस और आर्क के बीच में एरिया, उसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, बेटा अगर आप डाइस को कट करोगे तो वो क्यूबॉइड बन जाए। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट कम हो जाएगी ना। पहले तो जब वो डाइस था तब उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों सेम थी, लेकिन जब तुम उससे बीच से कट कर दोगे तो लेंथ और ब्रीथ तो सेम रहेगी लेकिन उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म में बन जाएगा, वो क्यूब नहीं रहेगा, है ना? देखिए जैसे ऐसे बेटा, ऐसे देखो, ये जैसे मान लो क्या है, डाइस है, इसको तुमने 20 से कट किया, ऐसे 20 से कट करोगे तो वो हाइट तुम्हारी कम हो गई है ना, हाइट तुम्हारी कम बची है। आगे नेक्स्ट, पहले नंबर ऑफ बॉयज निकाल लें, इसको इरेज कर देते हैं। यस यस यस, देखिए बेटा, क्वेश्चन सेकंड, वॉइस कैसे निकलेगा? टोटल माइनस कर्ल्स, टोटल है 4320 एंड गर्ल्स हैं 2300, तो ये आ जाएगा 2020। ठीक है, अब तुमको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? रेशियो निकालना है तुमको बॉयज का टोटल स्टूडेंट के साथ। बॉयज कितने हैं? 2020 और टोटल कितने हैं? 4320। टू से कट किया तो 101 और इधर कट किया तो 216। 101 तो एक प्राइम नंबर होता है, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है बेटा? चेक करना पीछे जरा, क्या यही रेशियो आ रहा है क्या? 101 रेशियो 216। चेक इट फास्ट।
आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। देखिए बेटा, आपको कितने राइट एंगल टर्न करेंगे, ध्यान से देखना। थर्ड वाला, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट। और आपको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो पहले एक राइट एंगल, फिर सेकेंड राइट एंगल, और एक थर्ड राइट एंगल। थ्री राइट एंगल टर्न करना पड़ेगा। कितने राइट एंगल टर्न करना पड़ेगा, वी टर्न थ्री राइट एंगल। From south to east in clockwise direction. Clockwise direction. हाँ बेटा, आगे। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है बेटा। वो कह रहा है मेरी साइड और मेरी हाइपोटेनस सारी डिफरेंट है, सारी साइड डिफरेंट होती है, उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है, जिसकी सारी साइड डिफरेंट होती है उस ट्राइंगल का नाम होता है स्केलेन ट्राइंगल। नेम बाय साइड, नेम बाय साइड, ठीक है। साइड के हिसाब से नेम क्या होगा, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अच्छा, नेम बाय एंगल, एंगल बेटा एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं। एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अरे बोलो, वो बोल रहा है कोई ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, एक 48 डिग्री का, और तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों साइड अलग अलग है। तो साइड के हिसाब से स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा और एंगल के हिसाब से